Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. Yes, तो जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार, वो various tests जो है वो An Academy conduct करवाने जा रही है. ये होने वाला है 17th of November को शाम को 8 बजे. इसके अंदर क्या रहेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव टेस्ट अटेंड करना है और आप एक्साइटिंग प्राइजेस जो हैं उनको जीतने का मौका आपको मिलेगा. ये जो टेस्ट हैं वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नवदीप मैम, तलवीर सर, नवीन साख सर, अभिषेक सर और आशिमा नेगी मैम के थ्रू ये क्रिएट किया जा रहा है. बहुत अच्छे से, बहुत बड़े लेवल पर ये एग्ज़ाम, ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा. इसके अंदर अगर आप यहाँ पर रैंक्स हासिल करते हैं, जैसे कि फर्स्ट टू फिफ्थ रैंक अगर हासिल करते हैं तो आपको 7000 का अमेज़ॉन वाउचर दिया जाएगा. अगर आप 4 to 10 रैंक्स के अंदर आते हैं तो 5000 का अमेज़ॉन वाउचर आपको मिलेगा. अगर आप 11 to 20 रैंक के अंदर आते हैं तो 3000 का अमेज़ॉन वाउचर, और इसी के साथ 21 to 30 अगर रैंक अगर आप यहाँ पर गेन करते हैं तो 2000 का अमेज़ॉन वाउचर एज अ प्राइज आपको यहाँ पर मिलेगा. तो इसे बिल्कुल भी हाथ से जाने मत दीजिएगा. इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो. कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है. उसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट इसे अनलॉक करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड जो कि है SHAFALINTA शिफाली NTA यूज़ कर सकते हो. इसी के साथ अगर आप An Academy प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हो तो 10% डिस्काउंट के लिए भी आपके रेफरल कोड बिल्कुल भी मत लगाना भूलिएगा, जो कि है SHAFALI, डेट्स माई नेम शिफाली, NTA, डेट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. तो बिल्कुल याद रखिएगा, नोट डाउन रखिए और इस टेस्ट के लिए ज़रूर एनरोल कीजिएगा. हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में UGC NET दिसंबर 2021 के सेशन के बारे में. जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के जो सेशन हैं UGC NET के वो काफ़ी लेट हो चुके हैं ड्यू टू कोरोना, तो उसकी वजह से अभी दिसंबर 2021 सेशन के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले का सेशन के जो एग्ज़ाम है 5th ऑफ दिसंबर तक आपके कंडक्ट होने जा रहे हैं. तो दिसंबर 2021 कब होने वाला है, कब इसके बारे में नोटिफिकेशन आएगा, उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे. उसके अलावा ये एग्ज़ाम क्या है, क्या पैटर्न इसके लिए फॉलो किया जाता है और क्या सिलेबस रहता है, सब चीज़ों के ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे. तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा. चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक. तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले UGC NET एग्ज़ाम जो है वो नेशनल लेवल का एक एग्ज़ाम है जो कि UGC के बिहाफ पर NTA के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसके लिए मेनली क्या होता है कि जैसे आपका एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है उसकी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी चेकआउट करने के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है. इसके अलावा भी इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है. मान लीजिए आप आगे फर्दर PhD करना चाहते हैं, रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, तो उस रिसर्च वर्क के लिए फेलोशिप अगर आप चाहते हैं, फंड्स चाहते हैं, तो इसके थ्रू इस एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर कर जाते हो तो आप जो है वो वैलिड होंगे इस स्कॉलरशिप के लिए, इस फेलोशिप के लिए. उसके अलावा UGC NET एग्ज़ाम जो है वो CBSE के थ्रू पहले कंडक्ट किया जाता था, लेकिन अभी जून 2018 से ये NTA के थ्रू कंडक्ट किया जाने लगा है, जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू काफ़ी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं. 2 पेपर्स रहते हैं UGC NET एग्ज़ाम के अंदर, पेपर 1 एंड पेपर 2, जो बिना किसी ब्रेक के एक ही दिन में एक साथ ही लिए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं. क्या रहता है डेट्स की अगर बात करें कि अब एग्ज़ाम कब होने के चांसेस हैं, जैसा कि आप जानते हो कि अभी दिसंबर 2021 का सेशन आ चुका है, नवंबर चल रहा है, दिसंबर बिल्कुल पास है, तो यस, कमीशन बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज़ करने जा रहा है. बिकॉज़ चाहे पहले का एग्ज़ाम कितना भी लेट हो चुका हो, अब कोविड जहां तक हम जानते हैं कंट्रोल हो चुका है, तो एजेंसी को भी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी अपने आप को दोबारा से ट्रैक पर लेकर आना है. तो अब दिसंबर 2021 का जो साइकिल है वो ज़्यादा लेट नहीं होने वाला है. उसके लिए नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही UGC NET की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, या मैं आपको अपने चैनल के थ्रू उसके बारे में नोटिफिकेशन अपडेट कर दूंगी. तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसके लिए. उसके अलावा एग्ज़ाम जो है वो कब
पहले वाला एग्जाम की अगर हम बात करें तो 5th of December तक अभी आपका एक एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है, मतलब पहले वाले सेशन का, तो 5th of December तक मे बी जो है उससे पहले, डेट मीन्स एग्जाम कंडक्ट हो रहा होगा उसी के बीच में आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा, नहीं तो आपको 5th of December के बाद जल्दी ही नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप अपना प्रिपरेशन रखो, नेक्स्ट सेशन भी बहुत ही जल्दी कंडक्ट किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो ये स्टूडेंट्स सारे करेक्ट आंसर्स के लिए आपको 2 मार्क्स पर जो है वो क्वेश्चन मिलता है, बट नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो अभी तक बिल्कुल भी कोई नेगेटिव मार्किंग का कोई चांस नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। डैट मीन्स अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसका कोई भी मार्क्स नहीं कट कर किया जाएगा, बट अगर आप सही करते हो तो 2 नंबर उसके आपको दिए जाएंगे। सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 और 81 नेट सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर 2, डैट मीन्स पेपर 1 जो सब्जेक्ट है वो जनरल पेपर है आपका, और पेपर 2 होता है आपका सब्जेक्टिव पेपर। आपने किस सब्जेक्ट के अंदर पीजी किया है अपना, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप पेपर 2 कौन सा चूज करेंगे। अभी जो ये सिलेबस है रिवाइज्ड हुआ है 2019 के अंदर, तो अब एग्ज़ाम जो सिलेबस है एग्ज़ाम का वो बिल्कुल भी रिवाइज होने का कोई चांस नहीं है, तो आप उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं अपनी। ये सिलेबस जो है आपको UGC नेट की वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगी, सो चेकआउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके अलावा अगर हम बात करें पैटर्न की, तो देखो मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम रहता है। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठे दे सकते हो, आपको ऑनलाइन सेंटर्स पर जाना होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग एग्जाम होता है, कंप्यूटर के ऊपर आपको एग्जाम देना है, कोई रिटर्न नहीं है, बिल्कुल कंप्यूटराइज रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की बात करें तो 180 मिनट्स, टोटल 3 घंटे आपको टोटल मिलते हैं, जिसके अंदर आपको पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर अपने आप से पार्टीशन करना है कि आप कितना टाइम पेपर 1 को देते हो और कितना टाइम पेपर 2 को देते हो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो 150 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके पेपर 1 के रहते हैं जो कि जनरल पेपर है, जो सबके लिए कॉमन है, और पेपर 2 जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेट करेगा, आपके पीजी सब्जेक्ट से रिलेट करेगा, उसमें से आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो MCQs क्वेश्चन है, किसी भी तरह का कोई रिटर्न या एसे टाइप और इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, टोटली ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन में से एक चूज करना होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इसके अंदर रहते हैं। मार्किंग स्कीम की बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया है करेक्ट आंसर कि आपको +2 मिलता है, और नेगेटिव आंसर अगर करते हो तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग उसके लिए नहीं है, गलत करते हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिल जाता है, क्वेश्चन पेपर आपका मिल जाता है, उसके अंदर कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा आप जो है, मैंने आपको बता दिया है सिलेबस जो है वो आप अपनी वेबसाइट से, UGC नेट की वेबसाइट से जल्दी ही अपलोड कर लीजिए, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो जल्द ही आ सकता है, क्योंकि अभी हमारा ट्रैक से पहले ही बहुत UGC नेट एग्ज़ाम हट चुका है। अब जल्दी से जल्दी इसे कंडक्ट करवाया जाएगा और जल्दी ही आपको within 1 month आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। अनअकैडमी पर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो रेफरल कोड मैंने आपको दे दिया है SHA FALI NTA शिफाली NTA, जिसको यूज करके आप 10% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक की फीस में। उसके अलावा जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, सो चेकआउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आपको रेफरल कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।